ये देखिए जयराम सरकार, ये है आपकी डेवलपमेंट। ये जो मेन टूरिस्ट प्लेस है शिकारी देवी माता का मंदिर, तो वहाँ का जो अप्रोच रोड है उसका हाल देखिए आप क्या है। ये डेवलपमेंट करेंगे आप फिर शिखर की ओर हिमाचल जाएगा और तब ऐसे बढ़ेगा टूरिस्ट। लो ये देखो क्या हाल है। अभी हम जा रहे हैं शिकारी माता मंदिर में, लेकिन यहाँ पर रास्ता जंजहली के लगभग 8-10 किलोमीटर के आगे इतना ख़राब रास्ता है कि यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल नहीं चल पा रही। गाड़ी तो चलेगी नहीं, यहाँ पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। और शिकारी देवी से लेके 10 किलोमीटर पीछे तक पूरा रोड जो है वो खतरनाक ख़त्म हो चुका है। यहाँ इतना बुरा हाल है, पैदल चलने तक का यहाँ पर जगह नहीं है। ये देखिए आप रोड का क्या हाल है। और हमारी जयराम सरकार जो है वो बोलती है कि हम शिखर की ओर हिमाचल को लेकर जा रहे हैं। ये शिखर की ओर हिमाचल नहीं, ये गड्ढों की ओर हिमाचल है। अब देखिए कितने गड्ढे, कितना पानी, कीचड़, छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे ये बच्चे? ऐसा कीचड़ है, इतना बुरा हाल इस रोड का, तो कैसे जाएंगे बताइए आप। देखिए इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। लोग आना चाहते हैं यहाँ देखने के लिए, हर कोई आना चाहता है, लेकिन यहाँ का जो रोड है वो इतना गंदा और इतना ख़राब है कि सरकार इसकी ज़रा भी सुध नहीं ले रही है। हाँ ठीक है, ये बर्फ़ वाला एरिया है, बर्फ़ यहाँ पड़ती है, तो क्यों ना इसको कंक्रीट का रोड बना दिया जाए। इतनी चौड़ी जगह है, स्पेस है, यहाँ हर चीज़ बन सकता है अच्छे से। फिर भी क्यों नहीं सरकार इसको कंक्रीट का रोड बनाती, कंक्रीट का डबल लेन रोड बनाइए, पार्किंग की सुविधा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए और हिमाचल का टूरिज़्म बढ़े। इसलिए मेरी जयराम सरकार से ये दरख्वास्त बोलिए, आप अपील बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर यही हाल रहा तो साहब सरकार ज़्यादा चलने वाली है नहीं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये ऊपर भी बिठा देती है तो नीचे भी उतार देती है। आप अपने एरिया से बाहर का भी सोचिए, ये तो फिर भी आपके ही एरिया में है, आपका ही सब कुछ है। यहाँ जब टूरिज़्म का ये हाल है, बाकी जगह का क्या होगा? मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, जितने भी हिमाचल में टूरिस्ट प्लेस हैं सबकी कनेक्टिविटी अच्छे से कीजिए। कनेक्टिविटी अच्छी होगी, टूरिस्ट आएगा, सबका इकोनॉमी भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, लेकिन कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए आप कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है, मौसम इतना हसीन, सब कुछ बढ़िया है। लॉकडाउन होने के बावजूद सब जो टूरिस्ट है वो आ रहा है और सब मास्क का पूरा ध्यान रख के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है, तब भी सब लोग आ रहे हैं। चलिए अब हम आगे जाके आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तब तक के लिए कैमरामैन मनीष ठाकुर के साथ रविकांत का धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, धन्यवाद।